जय श्री कृष्णा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फिजिक्स के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ गणित की जरूरत पड़ती है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था कि जितना फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है, ऐसे नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा ज्ञान आपको दिया था या ट्रिग्नोमेट्री में कोई हमने रिसर्च किया था, बस ट्रिग्नोमेट्री में जितना फिजिक्स में जरूरत होती है उतना मैंने आपको सिखा दिया था, उतने से आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा, उतना ही हमें जरूरत है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा है, हमको कोई ट्रिग्नोमेट्री पर रिसर्च नहीं करना है, हमको उतना ही गणित पढ़ना है जितने कि हमारा फिजिक्स जो है उसमें हमें प्रॉब्लम ना है। तो अब उसी सीक्वेंस में हम आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है इसके अंदर एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और जेड एक्सिस जो है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो जेड एक्सिस इसे बाहर की तरफ होगा। फिजिक्स में कोई भी चीज अगर अंदर की तरफ जा रही होती है, अंदर की तरफ कोई भी चीज जा रही है, तो हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं। याद देख रखिएगा, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, और अगर मैंने डॉट बना दिया इसका मतलब होता है आउटवर्ड। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज जो है वो जब भी कभी अंदर की, जैसे कोई तीर है अंदर की तरफ जा रहा है, तो पीछे से देखने पे तीर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए तीर बोर्ड से बाहर आ रहा है तो सिर्फ हमें तीर का डॉट दिखाई पड़ेगा, तो मतलब ये इनवर्ड और आउटवर्ड है। तो जैसे एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, तो जो जेड एक्सिस होगी वो आउटवर्ड हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को एक विशेष नाम से बुलाते हैं, इसका नाम है फिर से बंद कर दीजिए, ये भी उड़ा दीजिएगा। कृष्णा देखिए, कल हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री, सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, फिजिक्स में जितनी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, साइन थीटा कॉस थीटा उनके आपस के रिलेशन और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ उतनी ही पढ़ाई थी जितनी की फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, उसके आगे नहीं पढ़ाई थी। हमने कोई उस पर रिसर्च नहीं करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतना मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज क्या है कि फिजिक्स में जितनी, मतलब थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा जितनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। वैसे गणित में तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, तो जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा। फिजिक्स में ये ध्यान रखें, आप जब भी कोई वेक्टर आउटवर्ड होता है, बोर्ड के प्लेन के बाहर होता है, तो उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, इसका मतलब है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और दूसरा कोई वेक्टर जो है अगर ऐसे क्रॉस बना दिया, इसका मतलब इनवर्ड होता है। तो खैर यहां पर ये डॉट बनाया हुआ है। अब ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम विशेष नाम से बुलाते हैं, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा। इसका नाम है एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस है इसका नाम है ऑर्डिनेट। कभी जरूरत नहीं पड़ती, ये एब्सिसा ऑर्डिनेट वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जानकारी के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड है। अब इसके अंदर राइट हैंडेड जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड है। इसका मतलब क्या है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यह है कि आप दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, दाहिना हाथ लेंगे, आपका अंगूठा एक्स डायरेक्शन में जाएगा, उंगलियां वाई में जाएंगी, तो जो पाम है, ये पाम आपको दिख रहा है ना, ये हथेली या तमाचा समझ लें, ये जो पाम है, जैसे अंगूठा एक्स में जाएगा, उंगलियां वाई में जाएंगी, तो पाम जो है वो जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसे हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। नियम यही है कि एक्स डायरेक्शन में अंगूठा रहेगा आपका, उंगलियां वाई में रहेंगी, तो जो पाम का डायरेक्शन होता है वो जेड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है इफ द थंब पॉइंट्स
along and the thumb points along x-axis. Fingers points along y-axis. Fingers points along y-axis. Thumb points, if the thumb points along x-axis, fingers points along y-axis, then the palm points towards the z-axis. If the thumb points along x-axis, fingers points along y-axis, then the palm points towards the z-axis. यहाँ पर ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने right hand का इस्तेमाल किया. Here we have used right hand. कई बार ऐसा हो जाता है जो लोग lefty होते हैं तो वो ये नियम तो उनको याद रहता है लेकिन वो लेफ्ट हैंड से करने लगते हैं. तो अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, जेड अंदर चला जाएगा. तो जो लोग लेफ्टी हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको राइट हैंड ही यूज करना है. जो राइट हैंड है उसी का इस्तेमाल करना है. तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, इफ द थंब पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिंगर्स पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस, देन द पाम पॉइंट्स टुवर्ड्स द जेड एक्सिस. यहां ध्यान रखना है कि हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने में. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा. अब ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर आते हैं तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं ये मैं सिखाने जा रहा हूं. सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई आदमी, या समझ लीजिए एक्स वाई एक्सिस जो है उसको मैंने मान लिया जमीन में, जमीन पे एक्स और वाई एक्सिस है. तो कोई आदमी 3 मीटर इधर चलता है, सपोज करो इधर 3 यूनिट चलता है तो एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चल गया. अब मान लो वाई डायरेक्शन में वो 4 यूनिट चलता है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट चल, एक्स में 3 चला, वाई में 4 चला, और फिर एकदम से मान लो कि वो आदमी आसमान में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते 5 मीटर ऐसे हवा में उड़ जाता है. तो ध्यान से देखें तो एक्स दिशा में 3 मीटर चल रहा है, वाई डायरेक्शन में 4 चल रहा है और एकदम से ये वाला डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस है, जेड में 5 चल रहा है. तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहां कहीं पर होगा वो पॉइंट 3 मीटर इधर गया, 4 इधर गया, 5 ऐसे आ गया, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4, 5. ये कोऑर्डिनेट्स कहे जाते हैं. मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि आप पॉइंट को अगर लोकेट करना चाह रहे हैं तो उसको लोकेट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में आप जितना चलेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई में जितना चलेंगे वो वाई हो जाएगा, फिर जेड में जितना चलेंगे वो जेड हो जाएगा. तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से निकालते हैं. जैसे ये 3 इधर चला था, 4 इधर चला था, फिर 5 हवा में आ गया तो कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा. तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम लोग एक्स कॉमा, ये तो मैंने समझाने के लिए 3, 4, 5 बताया. अब इसको जनरल अगर बात करें तो मान लो एक्स इस दिशा में एक्स चल गया था, इस दिशा में वाई चल गया था और इस दिशा में जेड चल गया था, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा. इसको थोड़ा आप और अच्छे से समझ सकते हैं. इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक ऐसे क्यूब बना रहा हूं मैं, ये सपोज करो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. एक्स वाई जो है वो जमीन हो गई और जेड प्लेन हो गया. अभी मान लो कि जैसे इस पॉइंट को अगर हम देखें, मान लो कि ये यहां से क्यूब, क्या क्यूबॉइड मान लें, ये वाली दूरी एल है, ये इसकी चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है. तो अगर आप देखें मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस वाले पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में एल चलना पड़ेगा, फिर वाई में बी चलना पड़ेगा और जेड में एच चलना पड़ेगा. तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एल कॉमा बी कॉमा एच आएगा. अभी जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, समझिएगा इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं.
तो अगर मुझे यहाँ ओरिजिन से मैं चलूंगा तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो देखो मुझे एक्स डायरेक्शन में एल चलना पड़ेगा, वाई में बी चलना पड़ेगा और जेड में ऊंचा ऊपर हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल कॉमा बी कॉमा जीरो हो जाएगा। देखें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे मुझे जाने के लिए अगर यहां से चलूंगा तो मुझे सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एक्स और जेड में चलना ही नहीं पड़ा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा वाई में मुझे कितना चलना पड़ा बी जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। ठीक है, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाह रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है मुझे तो देखिए यहां से स्टार्ट करूंगा, मुझे जेड सॉरी वाई डायरेक्शन में बी चलना पड़ेगा और फिर मुझे ऊंचाई में एच चलना पड़ेगा, एक्स में तो चला ही नहीं मैं, तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये जीरो कॉमा यहां से यहां तक गए तो बी कॉमा एच, तो अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। जैसे इसका लिखना हो मान लो तो इसके लिए मुझे x में l चलना पड़ेगा फिर y में सॉरी x में l चलना पड़ा y में कुछ नहीं चलना पड़ा और z में मुझे h चलना पड़ा, तो इसका हो जाएगा l कॉमा जीरो कॉमा h। तो ऐसे हम अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट का मतलब यही है कि भाई जैसे ओरिजिन से आपको किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो x डायरेक्शन में कितना आपको चलना है, y में कितना है चलना है, z में कितना चलना है, x y z तीनों का आपने देख लिया तो वही उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब जैसे कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का हमने लिखना सीख लिया तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है, कोई भी दो पॉइंट है तो उनके बीच डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है समझा दे रहा हूं, अभी सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए मैं एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और यहां पर कोई पॉइंट ए था और ए के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वन कॉमा वाई वन और यहां पर कोई पॉइंट मैंने बी पकड़ लिया, बी के कोऑर्डिनेट थे एक्स टू कॉमा वाई टू, जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स टू कॉमा वाई टू और ए के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो एक्स वन कॉमा वाई वन थे। अब मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे एक लाइन ऐसे बनाऊंगा, एक ऐसे बनाऊंगा, इन पॉइंट का नाम मैंने ए और बी रखा ही था, इस पॉइंट का नाम मैंने एम कर दिया। तो अगर मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है, देखना अब ये जो दूरी होगी ये वाली दूरी होगी x1 और ये जो दूरी होगी ये दूरी x1 आएगी, ये वाली दूरी x2 आ जाएगी, ये जो दूरी है ये y1 आएगी और ये जो दूरी है ये दूरी y1 आएगी और ये जो दूरी है ये y2 आएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस y1 के बराबर हो गई, ये y2 हो गई, ये दूरी x1 हो गई, ये दूरी x2 हो गई। अब ध्यान से देखें तो यहां पर हम आसानी से ये बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं मैं इस ट्रायंगल ए बी एम में, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल होगा ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ए एम जो दूरी होगी यहां से यहां तक की दूरी, ये टोटल थी एक्स टू, ये एक्स वन, तो ये हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जो डिस्टेंस आएगी दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली आ जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, दिस विल बी वाई टू माइनस वाई वन, दिस विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ए एम की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और बीएम की जगह मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये हो गया ए बी, तो ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको a और b पॉइंट जो है, ये पॉइंट a है ये पॉइंट b है, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो जैसे मान लीजिए कि पहले का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, दूसरे का था x2 y2 z2, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाती है। तो अभी जैसे कुछ इसके अंदर छोटे छोटे सवाल बनते हैं डिस्टेंस निकालने के, तो जैसे सपोज करिए कि पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन और पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट है वन कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो कॉमा थ्री, ये है।
तो क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कुछ नहीं करना है सवाल में, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि एक सवाल फार्मूले का मैं आपको कराना चाह रहा था इसलिए मैं लिख दिया। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वन माइनस माइनस वन जो है वन माइनस माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये भी टू हो गया, ये भी टू हो गया, ये भी टू हो गया, तो टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर प्लस फोर यानी ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व का मतलब ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू टू रूट थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल सा फार्मूला जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद करिएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कुछ बातें आती छोटी छोटी, जैसे एक सवाल ये बनता है, सपोज करें कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये समझिएगा, ये स्फीयर है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, जेड इधर होगा और इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ओरिजिन पर है, और इसका रेडियस मैं लिख दे रहा हूं आर है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आई शोन, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आई शोन, फाइंड वेदर द पॉइंट, फाइंड वेदर द पॉइंट आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू लाइज इन साइड और आउटसाइड द स्फीयर। एक स्फीयर है, एक गोला है, गोला स्फीयर और सर्कल में फर्क तो आप जानते ही होंगे, जो सर्कल होता है वो टू डायमेंशनल होता है, जो स्फीयर होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो एक गोला है और ये जो गोला है इस गोले का रेडियस आर के बराबर है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है ना आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू, ये स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। एक मिनट का पॉज लेके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रुक जाएंगे पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा जब सॉल्यूशन जो मैं बताने जा रहा हूं तो उस सॉल्यूशन को आप देखेंगे, तब आपको मतलब आपका अपना सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन जो है मैच करा करके फिर आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, अगर ये पॉइंट देखिए ये पॉइंट स्पेस में कहीं हुआ, एक्स डायरेक्शन में मुझे आर बाई रूट टू चलना पड़ेगा, फिर वाई में आर बाई रूट टू, फिर जेड में आर बाई रूट टू, तो ये पॉइंट जो होगा वो स्पेस में कहीं पर होगा, ठीक है। तो स्पेस में ये पॉइंट अगर कहीं पर है तो उस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड निकालनी है, जो भी पॉइंट है, सॉरी फील्ड निकालने की बात मैं कर रहा हूं, उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं मैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सेंटर से इसकी दूरी निकाल लेता हूं मैं, तो अगर मैं इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं, अगर आप देखें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, अगर मैं इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी आएगी, इसकी सेंटर से डिस्टेंस आएगी अंडर रूट ऑफ आर बाय रूट टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस आर बाय रूट टू, क्योंकि ओरिजिन ही तो सेंटर है इसका, प्लस आर बाय रूट टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट ऑफ थ्री आर स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू आर। थोड़ा ध्यान से देखें तो अंडर रूट थ्री बाई टू जो है ये एक से बड़ा नंबर है, अगर ये नंबर एक से बड़ा है तो इसका मतलब कि सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर से ज्यादा आ रही है। अब अगर ये डिस्टेंस आर से ज्यादा आ रही है तो अगर कोई चीज है जो है वो सेंटर से आर से ज्यादा दूरी पर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गोले के अंदर लाई नहीं कर रहा है,
ये जो पॉइंट है, ऐसे देखने में तो लगता है कि ये सवाल देखेंगे आप पहली बार तो लगेगा कि ये पॉइंट गोले में लाई कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकालें, जो कि थ्री डायमेंशन में आपको निकालनी पड़ेगी, तो सेंटर से डिस्टेंस जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको लगा के निकालेंगे तो ये रूट थ्री बाई टू आर के बराबर आ जाएगा, और इसका मतलब कि ये डिस्टेंस आर से बड़ी हो गई। तो अगर सेंटर से दूरी आर से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पॉइंट स्पीयर में लाई नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा दिस पॉइंट डज नॉट लाई इनसाइड द स्फीयर, दिस पॉइंट डज नॉट लाई इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर लाई नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा स्फीयर के अंदर नहीं लाई करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक तो डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट के बीच, ये मेन काम होता है, और दूसरा एक बड़ा टर्म आता है जो फिजिक्स में बार बार आता है, मतलब हर चैप्टर में जहां भी ग्राफ आएंगे वहां पर आएगा, एक टर्म आता है स्लोप। तो ये स्लोप क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्लोप क्या है ये बताने जा रहा हूं। स्लोप बेसिकली जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप डिफाइन किया जाता है, हिंदी में इसको ढाल कहते हैं, और स्लोप हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई भी लाइन जो है वो इस तरह से जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है एक्स एक्सिस से के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल थीटा मेजर किया, तो जो स्लोप आता है वो बेसिकली टैन थीटा के बराबर आता है। स्लोप की वैल्यू टैन थीटा होती है, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि थीटा है क्या, एक्स एक्सिस से के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो जो एंगल आता है उसे हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप को टैन थीटा बोलते हैं, और जब आगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो इसको एम से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्लोप को डिफाइन करना चाहें तो स्लोप की डेफिनेशन यही है, इट इज द टैन ऑफ एंगल मेजर्ड, एंगल ऑफ मेजर्ड, इट इज द टैन ऑफ एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को मैं ACW बोला करूंगा आज के बाद, इन ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो कोई भी लाइन है अगर हमें उसका स्लोप निकालना है तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बना रही है अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाता है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है। स्लोप को जैसे हिंदी में इसका नाम है ढाल, तो ढाल बड़ा अच्छा शब्द है, ढाल का मतलब ढलान। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन इस तरह की है, इस तरह की है, तो इसका ढलान या इसका स्लोप जीरो होगा, इस पर किसी बच्चे को बैठा दो तो वो रुका ही रहेगा, इसका कोई स्लोप नहीं आएगा। देखे इस तरह की अगर लाइन है तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा। अगर लाइन इस तरह की है, ढलान बढ़ गई इसकी, इस पर बच्चे को बैठाओगे तेज फिसलेगा, तो ढलान ज्यादा है इसका स्लोप ज्यादा है। अगर मान लो लाइन हम ऐसी कर दें बहुत ज्यादा एकदम ऐसे कर दें, इसका स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो थीटा 90 के आसपास हो जाए तो टैन 90 तो इनफाइनाइट होता है, तो जैसे जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप जीरो आएगा, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो स्लोप को जो हिंदी में शब्द है ना ढाल या ढलान, अगर उससे आप रिलेट कर पाओ तो स्लोप के बारे में आप बातें हमेशा सही करोगे। जितनी लाइन जो है वो ऐसे होगी इस तरह की हॉरिजॉन्टल होगी उसका स्लोप उतना कम होगा, जितनी लाइन ऐसे खड़ी लाइन होती जाएगी खड़े होते होते एकदम मतलब जितना आप ऐसे इसको बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो स्लोप बेसिकली क्या है, ढाल को बताता है। कोई भी लाइन जो है जैसे इस लाइन का ढाल जीरो है, इसका थोड़ा ज्यादा है, जिसका थोड़ा ज्यादा है, और लाइन ऐसे कर दिए तो इसका ड्रोप, इस पे मान लो सब पे मैं बच्चे को बैठा के फिसला रहा हूं, इस पे फिसलेगा ही नहीं, इस पे तेज फिसलेगा, इस पे और तेज फिसलेगा, इस पे तो फ्री फॉल करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा फिसल जाएगा। तो स्लोप बेसिकली यही बताता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है उसका टैन जो होता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी, जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, ऐसे तो हमको रिसर्च तो कोई करना नहीं उस पे, जितनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट थी उतना हमने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि
जो बेसिक मैथ्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में, उसमें कुछ छोटी छोटी और चीजें आती हैं, जैसे एक टर्म आता है फंक्शन, एक आता है डिफरेंशिएशन, एक आता है इंटीग्रेशन, एक एरिया अंडर द कर्व, तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो वाई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, y जो है वो x का फंक्शन है। जैसे कोई क्वांटिटी जो है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो y जो है वो फंक्शन ऑफ x कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, y सिंबल है y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब ये कि अगर x जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम ऐसा कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, सिंबल ये हो गया y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे कभी आपने बचपने में या कभी भी एक ये फार्मूला सुना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at, जैसे मान लीजिए बोलो क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस at, ठीक है, तो v जो है वो t का फंक्शन हो गया, जैसे जैसे t आप बदलते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी, तो v t पर डिपेंड कर रहा है ना, तो v इज ए फंक्शन ऑफ t। तो जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी एक नंबर है दूसरे नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जैसे आप समझें कि आपकी जो पढ़ाई है या जो आपके मार्क्स है वो आपकी मेहनत का फंक्शन है, जितनी आप पढ़ाई में मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, आपके ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत का ही फंक्शन है, आपका दिमाग जो है वो कितना तेज है तो दिमाग का भी फंक्शन है, तो आपकी आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी मेहनत का भी फंक्शन हो गए, आपके दिमाग का भी फंक्शन हो गए, आपके आईक्यू का भी फंक्शन हो गए, आपकी किस्मत पे भी बहुत ज्यादा मार्क्स डिपेंड करते हैं, जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हो उस समय आपका दिमाग बहुत सही चल रहा है, तो आपकी किस्मत का भी फंक्शन हो गया। तो वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, वाई से फंक्शन हमारे लिए फंक्शन बस यही है। वैसे तो गणित के अंदर जब आप गणित पढ़ोगे तो गणित के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फंक्शन पढ़ाया जाता है, मतलब दो ढाई महीने तक फंक्शन लोग कुछ लोग पढ़ाते रहते हैं, तो बहुत ही डिटेल चीज है ये, लेकिन अपने लिए फिजिक्स में जो काम की बात आती है वो इतनी आती है कि वाई से फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये वाई से फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको एक दो सवालों के थ्रू बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s इस तरह से दिया है, 3 साइन फाई टी, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s बराबर दिया है 3 साइन पाई टी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, SHM बोलते हैं हम लोग, तो उसका इक्वेशन भी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो अब इसके अंदर जैसे मान लिया आपसे कहता है फाइंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सुनिएगा ध्यान से, इनिशियल वर्ड फिजिक्स में जब भी कभी आएगा तो उसका मतलब होगा t इज इक्वल टू जीरो, जब भी कभी इनिशियल वर्ड फिजिक्स में आता है उसका मतलब t इज इक्वल टू जीरो होता है। तो y अगर s जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है तो t बराबर जीरो कर देंगे हम, तो s की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है, जो भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो t बराबर जीरो करने पे कितना आ जा रहा है, साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो s एट t इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो t बराबर जीरो पर जो s है वो जीरो के बराबर है, तो ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर फाइंड अगला एक इसी के अंदर और सवाल बनता है, फाइंड s एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब टाइम की वैल्यू पाई बाई टू होगी तो उस समय s की वैल्यू बताएं। तो अब कुछ नहीं है भाई, जहां टाइम की वैल्यू पाई बैठी तो टी की जगह हम पाई कर देंगे तो एस आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ पाई, सॉरी टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई है, जब टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, सॉरी क्वेश्चन का डेटा ऐसा इंटरप्रेट में हो गया, तो टी की वैल्यू 1 सेकंड पे बताएं, टी इज इक्वल टू 1 पे बताएं, तो टी बराबर 1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई इंटू 1, साइन तो ये होगा पाई इंटू 1 पाई हो गया 3 साइन पाई, साइन पाई जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ
पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है तो ये जीरो के बराबर जाएगा, तो टी बराबर वन पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो के बराबर जाएगा। तो एस जो है वो टी का फंक्शन था, तो टी की वैल्यू को आप बदलते जाओगे तो देखो टी को जीरो किया तो अलग वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू हमने वन किया तो जीरो आ गया। अभी इसी के अंदर एक और मान लेते हैं, फाइंड टी फाइंड एस, एक और सवाल देखो, फाइंड एस एट टी इज इक्वल टू वन बाई टू, तो t बराबर 1 बाई टू पे अगर s निकालना है तो अलग अलग t के लिए हम यहाँ t की वैल्यू कर देंगे, s आ जाएगा, तो t की जगह 1 बाई टू कर दो मैं, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s आ जाएगा 3 साइन पाई इंटू 1 बाई टू, तो ये हो जाएगा 3 साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू मतलब 90, तो साइन 90 कितना हो जाता है, सॉरी साइन 91 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन था, तो अलग अलग टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही वो अलग अलग आ रही है, टी बराबर जीरो पे अलग है, टी बराबर वन पे अलग है, टी इज इक्वल टू वन बाई टू पे अलग है, तो अलग अलग टाइम पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो अलग अलग आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस हिसाब से, किस रूल के हिसाब से वो फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही है।